गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सब कैसे हो? नाउ वी विल रीड लेसन नंबर 7. डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 7 रीड करेंगे. लेसन का नेम है वन एंड मैनी, एक और एक से ज़्यादा नंबर्स. नंबर्स की बात कर रहे हैं. ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन को. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स नाउन आर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स. संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, संख्या के आधार पर संख्या को दो समूहों में बांटा गया है. फर्स्ट है सिंगुलर नंबर, सेकंड है प्लूरल नंबर. सिंगुलर नंबर होता है एकवचन संख्या और प्लूरल नंबर होता है बहुवचन संख्या. अब हम रीड करते हैं सिंगुलर नंबर के बारे में. सिंगुलर नंबर एकवचन संख्या. सिंगुलर मीन्स वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. एक वचन संख्या का अर्थ है एक व्यक्ति, जानवर, वस्तु और स्थान. रीड द फ्लोइंग एग्जाम्पल. बच्चों, ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं नीचे, इनको रीड करें. फर्स्ट है एक गर्ल, एक लड़की की बात हो रही है, तो ये किस में आएगा? सिंगुलर नंबर में. नेक्स्ट है ए चेयर, एक कुर्सी. एक सिंगुलर चीज के बारे में बात हो रही है. नेक्स्ट है एक काइट, एक पतंग. बच्चों, जब एक चीज़ के बारे में बात हो रही हो, कोई भी, चाहे एक पर्सन है, चाहे जानवर है, चाहे कोई वस्तु है, चाहे कोई स्थान है, तो वो किस में आएगा? सिंगुलर में. जब एक चीज़ की बात हो तो किस में आएगा? सिंगुलर नंबर में. नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड प्लूरल नंबर. प्लूरल नंबर क्या होता है? बहुवचन संख्या. प्लूरल मीन्स मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. प्लूरल बहुवचन संख्या का अर्थ है एक से अधिक व्यक्ति, पशु, स्थान या वस्तु है. प्लूरल मतलब बहुवचन, यानी कि जब एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही हो, चाहे वो मोर देन वन, एक से ज़्यादा मनुष्य हैं या व्यक्ति हैं, जानवर हैं, प्लेस यानी कि स्थान है और थिंग और वस्तु है, एक से ज़्यादा, तो क्या होगा? वो प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन संख्या. रीड द फ्लोइंग एग्जाम्पल. निम्नलिखित उदाहरण पढ़ें. फर्स्ट है पेन्स. अब देखो, ये एक से ज़्यादा हैं. कितने पेन हैं पिक्चर में देख के बताओ? तीन. तो ये एक से ज़्यादा हैं. जब एक से ज़्यादा की बात हो रही हो तो क्या आएगा? पेन्स. उसके साथ एस या ई एस ऐड हो जाएगा, तो पेन है, तो क्या आएगा? पेन्स. नेक्स्ट है अब हमारे पास पिक्चर देखो, किसकी है ये? डॉल की. तो किस, ये एक से ज़्यादा डॉल्स हैं, तो क्या आएगा? डॉल्स. क्या आएगा इसमें? डॉल्स. जब एक से ज़्यादा चीज़ों की बात आ रही हो तो क्या आएगा? बहुवचन, यानी कि बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है, तो एस आई एस ऐड हो जाएगा. ठीक है, अब ये देखो, ये बर्ड हैं. कितने हैं? तीन बर्ड हैं. एक से ज़्यादा हैं, तो क्या आएगा? बर्ड्स. ठीक है बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर. प्लूरल सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करना है. मोस्ट नाउन्स एड एस और ई एस टू देयर सिंगुलर फॉर्म टू मेक प्लूरल नाउन्स. प्लूरल नाउन्स बहुसंख्या, बहुवचन संख्या बनाने के लिए अपने विलक्षण रूप में एस या ई एस जोड़ते हैं. रीड एंड लर्न द फ्लोइंग टेबल. बच्चों, ये टेबल दे रखी है नीचे, इसे पढ़ना है और याद करना है. एक उस कॉलम में दे रखा है सिंगुलर और दूसरे में दे रखा है प्लूरल फॉर्म. अब सिंगुलर में क्या है? बॉक्स. तो अब जब एक चीज की बात आ रही हो रही है तो सिंगुलर में, यानी एक वचन की बात हो रही है, उसको प्लूरल में चेंज करना है. अब बॉक्स है तो प्लूरल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? बॉक्सेस. नेक्स्ट है हमारे पास काइट. प्लूरल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? काइट्स. नेक्स्ट है ब्रश, ब्रशेज. देखो, बड़े सा दो ब्रशेज हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो क्या आएगा? ब्रशेज. नेक्स्ट है बेंच, बेंचेस. कैट प्लूरल में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? कैट्स. नेक्स्ट है हमारे पास बर्ड. बर्ड का क्या आएगा प्लूरल में? बर्ड्स. नेक्स्ट है हैट. हैट का प्लूरल में क्या आएगा? हैट्स. डॉल. डॉल का प्लूरल में क्या आएगा? डॉल्स. बच्चों, इसी प्रकार से करना है. नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारे पास नाउन विच एंड विद आई चेंज देयर वाई इंटू आई एंड देन एड ई एस. बच्चों, जो जिस वर्ड के एंड में वाई दे रखा है उसको चेंज करके क्या करना है? आई और ई एस लगाना है. जैसे कि फर्स्ट है जब हम प्लूरल में चेंज करेंगे, वाई की जगह क्या आएगा? आई और ई एस. ठीक है, जैसे कि सिंगुलर में है फेरी, फेरी के वाई है, वाई हटा के क्या आएगा? फेरीज.
आर आर के बाद क्या आएगा वाई को हटा के, आई ई एस, ऐसे ही सी टी है, वाई को हटा के क्या आएगा आई ई एस, सी टी इज। नेक्स्ट एनिमी, एनिमी इज कॉपी, कॉपीज में भी देखो ऐसे ही है, वाई है, वाई को हटा के क्या आएगा आई ई एस, पेन है पेंस, बर्ड बर्ड्स प्लूरल में ऐसे आएगा बच्चों, कार प्लूरल में क्या आएगा कार्स, ईयर ईयर्स, किंग किंग्स, चाइल्ड चिल्ड्रन, मॉन्की मॉन्कीज, डे डेज, वॉच वॉचिज, स्टोरी स्टोरीज। नेक्स्ट है हमारे पास क्राई क्राइज, नाइफ नाइव्स, टूथ टीथ। नेक्स्ट है ऑक्स ऑक्सन, मैच मैचेस। बच्चों ये साइड में चुनते रखे हैं, ये आपको खुद करने हैं रिवाइज, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारे पास एक्सरसाइज का टॉपिक, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इस लेसन की। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म टू ऑफ द रेड कलर वर्ड्स। लाल रंग शब्दों के सही रूप का उपयोग करके रिक्त स्थान भरें। बच्चों ये जो उनसे रेड कलर के वर्ड दे रखे हैं उनका सही यूज करके क्या करना है, ये जो खाली स्पेस है सेंटेंस के साइड में तो उसमें फिल करना है। जैसे कि फर्स्ट है आई लाइक टू रीड बुक, ठीक है, ये बुक क्या है कलर्ड वर्ड है। नेक्स्ट लाइन में प्लीज गिव मी सम डैश, अब इसमें क्या आएगा बुक्स, सम यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है तो क्या आएगा बुक का कलर्ड वर्ड बुक्स। नेक्स्ट है सेकंड माय मदर ड्राइव्स अ ब्लू जीप, शी वन जीप की बात हो रही है ब्लू जीप की तो क्या आएगा जीप ही आएगा, जब बड़े सारे की बात होगी तो क्या हो जाएगा उसमें एस वी आई एस ऐड हो जाएगा। शी है सिक्स ब्लैक डैश टू, अब इसमें क्या आएगा डैश में जीप्स, ये कलर्ड वर्ड को चेंज करना है। आगे फिर थर्ड है फ्रेश फ्रूट इज गुड फॉर हेल्थ, फ्रूट अब एक फ्रूट के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट लाइन में है वी मस्ट टेक इन अ लॉट ऑफ फ्रेश डैश फ्रूट्स, अब लॉट टेक ज़्यादा फ्रूट्स की बात हो रही है तो क्या आएगा फ्रूट्स। फोर्थ है दैट टेबल हैज़ वन ब्रोकन लेग, लेग क्या है कलर्ड वर्ड है, ठीक है, बट दिस टेबल हैज़ थ्री ब्रोकन डैश लेग्स, अब इसमें थ्री यानी एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो क्या आएगा लेग्स। नेक्स्ट है अब हमारे फिफ्थ इसका द डॉग क्लाइम्ड अप द स्टेयर्स और टू द रूफ, डॉग एक डॉग की बात हो रही है। नेक्स्ट है देयर वर टेन सिटिंग देयर ऑलरेडी, टेन एक से ज़्यादा है कलर्ड वर्ड क्या है ऊपर डॉग और अब टेन की बात हो रही है तो क्या आएगा डॉग्स। नेक्स्ट है हमारे पास राइट प्लूरल ऑफ द फ्लोइंग, निम्नलिखित में के निम्नलिखित के बहुवचन लिखने हैं, प्लूरल यानी कि बहुवचन एक से ज़्यादा वस्तु बनानी है। जैसे कि फर्स्ट है स्टोरी, स्टोरी का क्या हो जाएगा स्टोरीज, क्या आ जाएगा वाई की जगह क्या आएगा आई ई एस। नेक्स्ट है सेकंड कैट, कैट का प्लूरल में चेंज करेंगे तो क्या आएगा कैट्स। पेंसिल का एक पेंसिल है तो बड़ी सारी बनानी है पेंसिल्स। नेक्स्ट है क्लास क्लासेस, क्रो क्रो का क्या आएगा क्रॉल। सिक्स है बश, बश का क्या आएगा बशीज। नेक्स्ट है सेवन की का क्या आएगा कीज। एट है ग्लास, ग्लास का क्या होगा प्लूरल में चेंज ग्लासेस। नेक्स्ट है हीरो, हीरो का प्लूरल में क्या होगा हीरोइन। नेक्स्ट है टेन मैच, मैच का क्या होगा मैचेस। नाउ अगेन रीड बच्चों एक बार मैं दोबारा से रीड कर रही हूँ, राइट प्लूरल ऑफ द फ्लोइंग, निम्नलिखित के प्लूरल वर्ड लिखने हैं यानी कि बहुवचन संख्या। जैसे कि फर्स्ट है स्टोरी, स्टोरी का प्लूरल क्या होगा स्टोरीज, वाई की जगह क्या आएगा आई ई एस। नेक्स्ट है कैट, कैट का प्लूरल क्या आएगा कैट्स। नेक्स्ट है थर्ड पेंसिल, पेंसिल का प्लूरल वर्ड क्या आएगा पेंसिल्स। क्लास, क्लास का प्लूरल वर्ड क्या आएगा क्लासेस। नेक्स्ट फिफ्थ है क्रो, क्रो का प्लूरल में चेंज करेंगे तो क्रॉस। सिक्स्थ का है बश, बश का प्लूरल में क्या आएगा बशीज। नेक्स्ट है सेवन्थ की का प्लूरल वर्ड क्या आएगा कीज। एट्थ है ग्लास, ग्लास का प्लूरल वर्ड क्या आएगा ग्लासेस। नेक्स्ट है नाइन्थ हीरो, हीरो का प्लूरल वर्ड क्या आएगा हीरोइन, आई एन ई लग जाएगा लास्ट में। नेक्स्ट है टेन मैच, मैच का क्या आएगा प्लूरल वर्ड मैचेस। नेक्स्ट है हमारे पास लेट्स फन वाला टॉपिक,
कंप्लीट दिस टेबल। बच्चों ये जो टेबल दे रखी है उसको पूरा करें। फर्स्ट कॉलम में है सिंगुलर और सेकंड में है प्लूरल। अब लॉयन है तो लॉयन का प्लूरल में क्या आएगा, लॉयनेस। तो हमने क्या लिख देना है, LIONESS, लॉयनेस। नेक्स्ट है हमारा प्लूरल वर्ड दे रखा है टीथ। टीथ का सिंगुलर क्या होता है, टूथ, TOOTH, टूथ का होता है ना प्लूरल वर्ड टीथ। नेक्स्ट है थर्ड मैन, मैन का प्लूरल क्या होगा, वुमेन, मैन का वुमेन। नेक्स्ट है हॉल, हॉल्स का क्या होगा सिंगुलर वर्ड, होल, HOLE, होल। नेक्स्ट है सिटी, सिटी का प्लूरल क्या होगा, सिटीज, CITIES, सिटीज। नेक्स्ट है वुमेन, वुमेन का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, वुमेन, WOMAN, वुमेन। बच्चों इसी प्रकार से जो खाली स्पेस दे रखा है उसमें हमने सिंगुलर, जो सिंगुलर फॉर्म में स्पेस है उसमें सिंगुलर फॉर्म, और अगर प्लूरल में स्पेस है तो प्लूरल फॉर्म लिखनी है। ठीक है बच्चों। डियर स्टूडेंट, आज हमने इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 7 रीड किया है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। आपको घर पर इसे दोबारा से रीड करना है व समझना है। डियर स्टूडेंट, जो भी आपको काम स्कूल में होमवर्क में दिया जाता है वे अच्छे ढंग से व साफ सुथरे ढंग से फेयर कॉपीज में करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।